सोलर इंडस्ट्री में कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, और इस इंडस्ट्री में क्या डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जरूरत भी है लेने की कि नहीं है। तो ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास आते हैं लोगों के कि हमें इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करना है, लेकिन हमें आता ही नहीं है कि प्लांट कैसे इंस्टॉल करते हैं, डिजाइनिंग कैसे करते हैं। हमने किसी भी कंपनी की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो ली हुई है, लेकिन हम इस इंडस्ट्री में आगे काम नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, मेरा एक मानना है, अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करना है तो आपको उस इंडस्ट्री की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज रहेगी तो आप उस इंडस्ट्री में काफी आगे तक ग्रो कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। पिछले 8 साल से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। दिस इज सय्यम इंदुरख्या, IIT बॉम्बे एंड जर्मन सोलर एनर्जी एक्सपर्ट फ्रॉम साइंटेक सोलर भोपाल। वी आर रनिंग अ प्रोफेशनल सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भोपाल। हमारे इस इंस्टीट्यूट में मोर देन 1000 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हम क्रिएट कर चुके हैं पैन इंडिया में। सो हम लोग का जो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे क्या क्या होता है वो मैं आपको एक ब्रीफ कर दूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पीछे एक सोलर पावर प्लांट हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ये मेरी साइट है। सबसे पहली चीज़, आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है तो आप कैसे काम कर सकते हैं, तो आपको पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे हम आज अभी ये धूप में खड़े हुए हैं और ये पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में काम करना है, कि धूप में नहीं जा सकते, साइट पे काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा आपके अंदर है तो बिल्कुल इस इंडस्ट्री में आप सिलेक्ट मत करिए, और कोई ऑफिस IT इंडस्ट्री में आप काम करिए, उसमें ज्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। हम बोलते हैं कि यार, हमें मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, हम सेल्स में IIM अहमदाबाद से सेल्स का मार्केटिंग हमने किया हुआ है, सो MBA किया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको MBA नहीं भी किया, लेकिन आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, तो आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। रीज़न, क्योंकि कस्टमर आपसे जो भी पूछेगा, डाउट्स पूछेगा, वो टेक्निकल डाउट्स रहेंगे। अगर आप उसके टेक्निकल डाउट्स एंड क्वेरीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको सोलर प्लांट नहीं लगा सकते उनके यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़, इन 5 दिन की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है भोपाल में, जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 20 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जिसमें से 5 दिन के लिए आपको भोपाल आना पड़ेगा, और बाकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। तो 20 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी एंड 5 दिन की प्रैक्टिकल, तो दोनों हो गया 25 डेज की ये आपकी सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा, सोलर पावर प्लांट कितने तरीके के होते हैं, साइट सर्वे कैसे किया जाता है, प्रॉपर साइट सर्वे, शेडो एनालिसिस कैसे किया जाता है। जैसे आप देखो, ये हमने प्लांट लगाया हुआ है, एक सोलर प्लांट हमने एक ही पूरा 10 किलोवाट का सिस्टम एक यहाँ पे लगाया, ये हमने बीच में गैपिंग छोड़ी हुई है ताकि इसकी शेडो इस पे ना आए। तो ये हमने कैसे कैलकुलेशंस की है, ये जो हमने पैनल्स को लगाया है ये दूसरे की टेरिस पे ना आए, तो ये स्ट्रक्चर की साइजिंग कैसे की जाती है, कितने लेंथ के राफ्टर होने चाहिए, पर्लिन कितने लेंथ की होनी चाहिए, आपकी ब्रेसिंग्स कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट में ज़रूरत है, क्योंकि विंड प्रेशर, ये हाइटेड सिस्टम लगा हुआ है, आप नीचे देखिए, ये पूरा एलिवेटेड सिस्टम हमारा लगा हुआ है, तो नीचे जो कॉलम होते हैं कितनी कितनी दूरी पे आपके कॉलम आने चाहिए। ऑल राइट, हम जो क्लैंप्स लगाते हैं तो कौन से क्लैंप लगने चाहिए, देखिए हमारे जो सोलर क्लैंप्स लगे हुए हैं, ये हमारे सोलर क्लैंप्स लगे हुए हैं, इससे मॉड्यूल की टाइटनिंग होती है। तो मॉड्यूल जब आपके टाइट होते हैं तो विंड प्रेशर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पता चला हमने लाखों का इन्वेस्टमेंट किया कस्टमर ने, और हमने सोलर प्लांट लगा दिया और हवा का प्रेशर आया, पूरा प्लांट उड़ गया। तो छोटी छोटी बारीकी से चीज़ें देखनी पड़ती, क्या होता है, ये सैगिंग करने लगता है स्ट्रक्चर। क्यों सैगिंग करता है, क्योंकि आपने बीच में जो लेग के बीच में गैप है उसको ज़्यादा अगर आपने कर दिया, तो आपका प्लांट ऐसे मूव होने लगेगा जिसके कारण क्लैंप लूज हो जाएंगे और प्लांट आपका उड़ जाएगा। बहुत से केसेस ऐसे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, ऐसे बहुत से सोलर पे जो काम कर चुके हैं वो लोग भी आते हैं कि अपनी नॉलेज को और बूस्टअप करने के लिए। और मेरा मानना है कि ये जो इंडस्ट्री है, इसमें आज मैं भी हर रोज़ 1 घंटे अपना इन्वेस्ट करता हूँ नॉलेज के लिए। तो पहली बात, आपको साइट सर्वे करना, डिजाइनिंग करना, पावर प्लांट की स्ट्रिंग साइजिंग कैसे की जाती है, मॉड्यूल्स को हमें कनेक्शन कैसे करना है, तो स्ट्रिंग लेआउट कैसे बनता है, स्ट्रिंग साइजिंग कैसे होती है, पावर प्लांट की कमीशनिंग कैसे होती है। अगर आपको सब्सिडीज के बारे में जानना है तो वो भी हम यहाँ पे बताते हैं। गवर्नमेंट का जो नेशनल पोर्टल है, तो उसमें आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं अपना, उसके बारे में भी हम डेप्थ में बताएंगे। और जो जो चैलेंजेस हमने 8 सालों में फेस किया है, अपने अनुभव आप सभी के साथ शेयर करेंगे। दूसरी बात, अब आपके पास कोई कस्टमर है, आपको नॉलेज तो आ गई पूरे प्लांट की, डिजाइनिंग ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम की आप डिजाइनिंग कर ली। डिजाइनिंग करने के बाद अगर आपको किसी कस्टमर को कोटेशन देना है, तो आपको कोटेशन में क्या क्या होना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरा एक प्रोजेक्ट अभी मुझे याद है, लातूर में एक मैंने प्लांट लगाया था, उस टाइम पे लातूर में सूखा पड़ गया था, तो और पुणे से पानी भर के लातूर में आता था, तो हमने अपने प्रपोजल में स्कोप ऑफ वर्क लिखा हुआ था
कि वाटर सप्लाई ऑफ वाटर इज इन द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर हमें पानी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके देगा। वैसे ही हमें यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है कि क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन घर है और बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी लिमिटेड रहता है और नीचे से अगर मैं पानी ऊपर लेके आऊंगा लेबर से तो मेरा कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट का, राइट। तो हमें स्कोप ऑफ वर्क में क्या क्या रखना है, अपने स्कोप में क्या रखना है, कस्टमर के स्कोप में क्या रखना है, वो सारी चीज़ें, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना भी आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे करना है प्लांट का वो भी सिखाया जाएगा, क्या क्या ट्रबल शूटिंग आती है वो भी बताएंगे। आज मॉड्यूल जो आ चुके हैं 550 वाट के सोलर पैनल आ चुके हैं, 540 550 वाट के मोनोपर्क हाफ कट सेल्स पैनल आ चुके हैं, इसकी कमिशनिंग कैसे की जाती है क्योंकि बहुत से इन्वर्टर होते हैं जो इन पैनल्स के साथ कंपेटेबल नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें भी हम बताते हैं, कैसे आपको वाई कनेक्टर के थ्रू पैरेलल कनेक्शन करना है, तो सारी चीज़ें डेप्थ में बताते हैं। इनवॉइसिंग कैसे करना है, जीएसटी की इनवॉइसिंग कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो इन ऑल मैं आपको बताऊं कि आपको पूरा टेक्नो कमर्शियल नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। अब आपके पास नॉलेज है, अब आपको मटेरियल परचेज करना, आप बोलोगे मुझे स्ट्रक्चर लेना है, पैनल्स लेने, केबल्स लेनी, बहुत सी सारी चीज़ें आपको लेनी है, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कैसे करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है आप जो हमने ये स्ट्रक्चर लगाया है इट इज़ फुल्ली अ गैल्वनाइज स्ट्रक्चर, हॉट डिप गैल्वनाइज स्ट्रक्चर, 80 माइक्रोन गैल्वनाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, तो काफ़ी टाइप्स के स्ट्रक्चर आते हैं, तो उसके बारे में भी हम बताते हैं कि स्ट्रक्चर का सिलेक्शन साइजिंग कैसे किया जाता है। तो इन ऑल आपको सारी डेप्थ नॉलेज मिलेगी। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो ये भोपाल बेस्ड हमारा सोलर रूफटॉप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे ऑलरेडी 19 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी हमारा एक और बैच है, 7 अप्रैल से हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 7 से 11 अप्रैल भोपाल आना पड़ेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, 5 दिन के लिए भोपाल आना पड़ेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, और रिमेनिंग 20 डेज आपके ऑनलाइन सेशंस होंगे। तो 25 डेज का ये कोर्स, अगर आपने कोर्स को कर लिया तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और एक और चीज़ जो कमिटमेंट हम करते हैं वही फुलफिल करते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि जो कोर्स कंटेंट है, जो कमिटमेंट आपसे किया है, कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको मतलब सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वी विल रिफंड यू ऑल दी मनी बैक, हमारा जो फीस है वी विल रिफंड यू बैक। और अगर आपको और भी कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो नीचे जो नंबर आपको देख रहे हैं 7000824339 पे आप कॉल कर सकते हैं, एक और नंबर है 7723828181, इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे जो सीट्स रहेंगी वो 20 सीट्स ही है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप टीम से बात कर लीजिएगा, आपकी यहाँ पे बुकिंग आप कर सकते हैं, पूरी फीस के बारे से लेके सब चीज़ आपको टीम बता देगी क्या है, इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जो भी एक नॉमिनल फीस है हमारी टीम आपको डिस्कस कर लीजिएगा, आपको बता देंगे, एंड इट इज़ टोटली फिक्स्ड फीस, कोई भी नेगोशिएशन नहीं है, तो प्लीज़ नेगोशिएशन मत करिएगा उस पर। एंड मैं आपका वेट करूंगा भोपाल में, जितने लोग भी हमारी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली भोपाल आइए, मिलके सीखते हैं, लेट्स डू द बिजनेस विद द सन। मिलते हैं भोपाल में 5 दिनों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, कोई भी डाउट्स इंक्वायरीज हो तो टीम से बात करिए, आपका वेट करूंगा भोपाल में। रिमेंबर मी संयम इंदुरक्या फ्रॉम साइटेक सोलर, मिशन टू क्रिएट अ सक्सेसफुल सोलर स्टार्टअप्स इन इंडिया। जय हिंद, जय भारत। साइटेक सोलर एनर्जी भोपाल द्वारा लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उनके द्वारा रविवार से 5 दिवसीय सोलर पावर ट्रेनिंग शुरू की गई है। इस ट्रेनिंग कैंप में देश भर से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, साइटेक सोलर एनर्जी के डायरेक्टर संयम इंदुरखिया ने बताया कि अगर किसी को भी सोलर पावर इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, इसलिए उनके द्वारा समय समय पर सोलर एनर्जी से जुड़े हुए ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा रविवार से 5 दिवसीय सोलर एनर्जी ट्रेनिंग कैंप शुरू किया गया है और इसी तरह का 20 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप भी जारी है। कुल मिलाकर यह 25 दिनों का ट्रेनिंग कैंप है जिसमें देश भर से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए राजधानी भोपाल स्थित एमपी नगर जोन 1 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के लिए आए हुए प्रतिभागियों ने भी संयम इंदुरखिया की जमकर तारीफ की है। भोपाल बेस्ड सोलर का प्रोफेशनल सोलर बिजनेस स्टार्टअप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और हमारा भोपाल में ये 5 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रहा है, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री में किसी को भी काम करना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो इंसान इस इंडस्ट्री में काफ़ी आगे सक्सेसफुल हो पाता है। तो हमारा ये 5 दिन का प्रैक्टिकल और 20 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक 25 डेज का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग भोपाल आए हैं हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल करने के लिए और अपनी नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए और सोलर इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। यहाँ पे ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग यहाँ पे आए हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं,
तेलंगाना से हैं, हैदराबाद से हैं और यहाँ तक कि अफ्रीका से भी लोग यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए सोलर इंडस्ट्री में। और यहाँ पे हम पूरा बेसिक से चालू करते हैं, सोलर पावर प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, साइजिंग कैसे करते हैं, कैसे उसका इंस्टॉलेशंस करते हैं, कौन कौन से टाइप के सिस्टम्स होते हैं। ऑल अक्रॉस इंडिया में आपको सोलर पावर प्लांट लगाना है तो कितने एंगल्स पे लगाना है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल की सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं और पूरा प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन सिखाते हैं। एंड साथ ही साथ हमने जो साइट पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है वहाँ पे भी लेके जाते हैं, कुछ कमियाँ हमने थी उसको हमने कैसे इम्प्रूव की। अगर आज हमें 8 साल लगा इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में, तो हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से लगभग 8 महीने में हमसे ऊपर आगे निकल पाए, ये हमारा उद्देश्य है। सर, ये सोलर पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, किस किस तरह से इसमें उपयोग होता है और क्या जो है सुविधा लोगों को इससे मिलती है? देखिए सर, सोलर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर घर पे सोलर पावर प्लांट लगता जा रहा है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज चालू हो चुकी हैं, नेट मीटरिंग बेस्ड सिस्टम चालू हो गया है, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है, तो जिसके माध्यम से हर घर पे सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन हो रहा है। एक गवर्नमेंट का जो मुहिम है हर छत मुस्कुराता सूरज, तो उसके तहत काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। गांव-गांव में भी सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं जहां पे बिजली नहीं है, और वहां बड़े बड़े उद्योगों में भी सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं जो अपने बढ़ते हुए बिजली के बिल से परेशान है, वहां पे भी सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन हो रहा है। आज जो ये प्लेटफॉर्म हमको मिला है संयम इंदु रखा सर का, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर द यंगस्टर्स ऑल्सो। यहाँ आके आप जरूर इनसे ज्ञान लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बिना सोलर ऐसी एक बनाए चीज़ है कि उसको अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो वो यूजलेस है। विदाउट नॉलेज हमारे सर हमेशा बोलते हैं कि आप लैक, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज यू आर जीरो। सो अगर आपको 0 से 100 बनना है तो यू कम टू दिस इंस्टीट्यूट, यू विल बी वेरी मच एजुकेटेड फॉर द सोलर। थैंक यू। सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर? सर, हम मीडिया से अपना फेसबुक से हम लोग ट्राई किए थे पहला, उसके बाद में हमारे MIT पुणे जो ढगे सर है उन्होंने उनको रेफरेंस दे दिया, मेरे को रेफरेंस दिया, फिर हम लोग उनसे ज्वाइन हो गए और हम इधर आए हैं एक फैमिली के मार्फत ही रह रहे फ्रॉम फर्स्ट डे से। हम एक फैमिली, एक बड़ा फैमिली है हमारा।